भारत को यूं ही तपस्वियों का देश नहीं कहा जाता है और ना ही भारत यूं ही लोगों के लिए आकर्षण और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है, बल्कि इसके पीछे गहरा राज छिपा हुआ है जिसको देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आइए बात करते हैं इस पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक साधु हिमालय में बर्फबारी के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ये साधु महंत सत्येंद्रनाथ जी महाराज हैं। ये अपने योग के लिए जाने जाते हैं। ये वीडियो में बर्फ के ऊपर शरीर तक से धोती पहनकर बैठे हुए हैं। ये पानी, तेज हवा, पहाड़ों की चोटी और बर्फबारी के बीच भी ध्यान योग लगाते हैं। इनके लिए बेहद आसान है, लेकिन आम इंसान शायद ही इसे कर सके। सत्येंद्रनाथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के गांव लालची के रहने वाले हैं। यह वायरल वीडियो हिमाचल के सिरमौर जिले का है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित चूड़धार मंदिर के बाहर ये साधु तपस्या कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी डिटेल आप तक पहुंचाता हूं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब सामने आया तो इस वीडियो में दिखाया गया कि इस वीडियो में एक तपस्वी बर्फ के ऊपर तपस्या करते नजर आ रहे हैं। संत के ऊपर से बर्फ गिर रही है और वह बर्फ उनके शरीर को ढकती जा रही है। माइनस के तापमान में और गिरती हुई बर्फ के नीचे योग में लगे यह संत टस से मस्तक नहीं हो रहे हैं। लगातार बर्फ इनके ऊपर गिर रही है और उसके बावजूद ही तपस्या में मगन है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, ऐसे में स्नोफॉल के बीच एक महंत योग में बैठे हुए हैं। यह महंत जमी हुई बर्फ के ऊपर शरीर पर से धोती पहनकर बैठे हैं, उनके ऊपर से भी बर्फ गिर रही है। यह संत हैं सत्येंद्रनाथ महाराज। महंत सत्येंद्रनाथ जी महाराज अपने योग के लिए जाने जाते हैं। इनके विषय में बताया जाता है कि वह पानी, तेज हवा, पहाड़ों की चोटी और बर्फबारी के बीच भी बराबर योग ध्यान लगाते रहते हैं। सत्येंद्रनाथ महाराज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक छोटे से गांव लादी से आते हैं। उन्हें महज 12 साल की उम्र में ही गुरु की पदवी मिल गई थी। कहा जाता है कि महंत सत्येंद्रनाथ जी अपने योग और तप की वजह से खड़े पहाड़ और ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, जो कि एक आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए असंभव जैसी चीज है। महायोगी सत्येंद्रनाथ जी प्रकृति में कहीं भी योगासन कर लेते हैं। झरने के तेज पानी के बीच खड़े होकर भी वो साधना करते हैं। आप महंत सत्येंद्रनाथ जी के विषय में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।